हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रंजना की रसोई ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मीठा पुलाव, जिसे आप ब्रेकफास्ट या शाम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने केसर कली चावल लिया है 2 कप। चावल को धोकर आधे घंटे के लिए भिंगो लिया है और ये 2 मीडियम साइज अनियन को कुछ इस तरीके से लंबा लंबा काट कर लिया है मैंने। और ये है मटर, फ्रोजन मटर था इसलिए मैंने उबाला है, बॉईल किया है। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो बॉईल करने का ज़रूरत नहीं है। ये घी, 10 से 15 काजू के दाने हैं, तेज पत्ता और यह है इलायची। मैंने 1 इलायची को ऐसे रखा है, 1 को छील लिया है। और ये स्टार अनीस, दालचीनी, लौंग। अब चलते हैं रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पर, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में डाल देते हैं घी, तेल गरम हो गया है दोस्तों। अब इसमें डाल देते हैं तेज पत्ता, स्टार अनीस, इलायची, लौंग, दालचीनी, कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज। प्याज को भून लेते हैं। प्याज थोड़ा बहुत भून गया है, अभी और भूनना है। देखिए दोस्तों, प्याज भून गया है। अब इसमें डाल देते हैं मटर और काजू का दाना, दोनों को 1-2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें डाल देते हैं चावल। मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कितना मीठा पसंद है, कितना फीका मीठा पसंद होता है कितनों को। तो आपको जितना मीठा पसंद हो तो ज़्यादा चीनी डालें, कम मीठा पसंद हो तो चीनी कम का डालें। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, ज़रा सा ही। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट भूनेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। कवर करके 1-2 मिनट भूनेंगे चावल को मसालों के साथ, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा भून गया है। आप भी इसी तरीके से बनाकर एक बार खाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी और हेल्दी पुलाव बनता है। देखिए दोस्तों, चावल भुन गया है। अब इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 गिलास से 2 गिलास चावल लिया था, 2 कप चावल। इसी कप से 4 कप पानी डालेंगे।
पानी डाल देते हैं। मिक्स करके मिक्स कर लेते हैं। उबाल आने के बाद कवर करके स्लो फ्लेम पर पकने तक पकाएंगे। देखिए दोस्तों, उबाल आ गया है, चला देते हैं। अब कवर करके फ्लेम को स्लो करके चावल को गलने तक पकाएंगे। फ्लेम को स्लो कर दिए हैं, चावल को गलने तक पका लेते हैं। पकने देते हैं, 2-5 मिनट के अंदर ही पक जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बने रहिए वीडियो में, बीच बीच में चलाते रहिएगा दोस्तों। कितना अच्छा कलर आ गया है, देखिए अभी चावल बिल्कुल भी नहीं गला है, देख ही सकते हैं। देखिए फ्लेम को स्लो ही रहने दीजिएगा, नहीं तो पानी सारा सूख जाएगा, चावल गलेगा नहीं, फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। देखिए दोस्तों, मीठा पुलाव बिल्कुल रेडी है, इतना अच्छा बन के रेडी हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा हेल्दी और टेस्टी मटर मीठा पुलाव बन जाता है। आप भी इसी तरीके से बनाकर खाकर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। ये देखिए चावल भी अच्छे से गल गया है, पुलाव का जैसा रहने चाहिए वैसा ही है। ये देखिए पुलाव रेडी है दोस्तों, किसको खाना है बनाकर खाइए, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। देखिए एक मिनट के लिए और होने देते हैं स्लो फ्लेम पर ही। देखिए दोस्तों, मटर पुलाव रेडी है, किस किस को खाना है बनाकर खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मीठा पुलाव बन के रेडी है खाने के लिए, बनाइए खाइए। जितना आसानी से बना है ना, उतना ही टेस्टी और हेल्दी है, बनाकर खाकर बताइएगा कैसा लगा। हाँ तो दोस्तों, आपको हमारा ये मीठा पुलाव का टेस्टी रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अपना कितनी समय में से 2 मिनट हमारा वीडियो को दे, वीडियो को पूरा देख के एक लाइक कर दे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।